हे गाइज, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश धोना में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्सेज इंग्लिश के बारे में। या फिर आप ब्लॉगिंग करते हो, चाहे YouTube चैनल चलाते हो, या फिर कुछ भी करते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में एक प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती। हम ये काम तो कर सकते हैं बट हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें हिंदी आती है। तो क्या आप जानते हैं कि हिंदी का आने वाला ट्रेंड कैसा होगा? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा हिंदी के बारे में। तो इस चैनल पर इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी वर्सेज इंग्लिश, क्या डिफरेंट है दोनों में, लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं आज बिल्कुल विदाउट किसी देरी के। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट तो इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश क्या होते हैं कि सब जो भी कंट्रीज हैं सब में चलती है, मोस्टली कंट्रीज में चलती है इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को सभी जानते हैं। बट इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में काफ़ी सारे लोग नहीं जानते, ओनली इंग्लिश हिंदी को जानते हैं, इंग्लिश को इतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों को इंग्लिश आती नहीं है। लोग सीखना चाहते हैं बट इतना नहीं सीख पाते, और हिंदी में वो अपना जो भी काम करते हैं वो हिंदी में ही करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तो जो ब्लॉगर्स हैं या फिर जो यूट्यूबर हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, क्या वो इंग्लिश में बनाते हैं? अगर मैं हिमेश मैडम की बात करूं तो वो क्या हिंदी में बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं? वो भी हिंदी में कंटेंट बनाते हैं। इसके अलावा उज्ज्वल पाटनी, वो भी हिंदी में अपनी वीडियोज़ बनाते हैं, जो भी सेमिनार करते हैं वो हिंदी में करते हैं। इसके अलावा अगर मैं ब्लॉगर्स की बात करूँ, हर्ष अग्रवाल, वो भी हिंदी में, काफ़ी सारा उनका ब्लॉग काफ़ी पॉपुलर है हिंदी में। .net एक वेबसाइट ना काफ़ी अच्छी पॉपुलर वेबसाइट है, वो भी हिंदी में। इसके अलावा मैं जैसे अमित मिश्रा, अमित भाई टाइटल से हो गई, वो भी हिंदी में। तो देखिए हिंदी का कितना क्रेज चला हुआ इस टाइम में, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो हिंदी में भी अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि यार हिंदी का मतलब, कहने का मतलब क्या है, आप हिंदी इंग्लिश कर रहे हो यार मतलब क्या हो गया? हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो 2020 या 22 तक नंबर वन चले जाएगा, इस नंबर वन। अब बता रहा हूँ नंबर वन कैसे जाएगी, रिसर्च में जो भी बातें बताता हूँ ना अपने को, जो बिल्कुल रिसर्च करके बताता हूँ, रिसर्च के अनुसार मुझे पता चला है कि आने वाले टाइम में हिंदी नंबर वन जाएगी। इस टाइम की अगर मैं बात करूँ, इन दिस टाइम जो हिंदी है नंबर टू पर चल रही है, नंबर वन है इंग्लिश। बट जो पिछले 2018 से 17 से जो क्रेज आया है ना, अभी बूस्ट हुआ है, जब से जियो आई है उसके बाद में हिंदी इतना ग्रो कर रहा है कि आने वाले 2020 या 22 तक नंबर वन हो जाएगी। आप सोच सकते हो कि कितनी आपके लिए कितना बेनिफिट है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो बिल्कुल हिंदी में कंटेंट लिखो, हिंदी में दबा के लिखो, आने वाला टाइम आपका ये हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश बिल्कुल डाउन होती जाएगी और इंग्लिश जो हिंदी है जो बिल्कुल बूस्ट होती जाएगी। अब सोच सकते हो कि इंग्लिश तो डाउन होती जा रही है लेकिन हिंदी बूस्ट होती जा रही है। अब कितना कितना बेनिफिट है आपको इसमें, यहाँ से देख सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन हुआ, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हिंदी में आपको बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं। ब्लॉगिंग में बात करूँ तो ब्लॉगिंग में काफ़ी सारी वेबसाइट जो हिंदी में काफ़ी रैंक हो रही है। अब सीधा साधा और भी हम पॉपुलर वेबसाइट के बारे में बात करें, राजस्थान पत्रिका देख लो, इसके अलावा हम बात करें दैनिक भास्कर देख लो, इसके अलावा हम और भी जो भी न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो, और भी काफ़ी सारे आज तक देख लो, ललन टॉप देख लो, ये क्या है हिंदी में। कितने बड़े जो प्लेटफॉर्म है, कितने बड़े बड़े हैं न्यूज़पेपर वाले, ये भी अपना हिंदी में ही एक जो अपना आर्टिकल है वो लिखते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू अपने वेबसाइट पर। अब बात कर लेते हैं और भी चीज़ों के बारे में, जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो अपना हिंदी कंटेंट उपलब्ध करवा रही इस टाइम में, जिसका नाम बाद में बात करूँ, डिटोल का, डिटोल की वेबसाइट पर जाते हो तो डिटोल का भी काफ़ी सारी वहाँ से हिंदी में मिल जाती है। 91mobile.com के नाम से एक वेबसाइट है, काफ़ी सारा कंटेंट उपलब्ध करवाती है, वो भी हिंदी में। सोच सकते हो कि हिंदी का क्रेज आज भी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हिंदी में क्या रखा है, हिंदी में कुछ नहीं है। भाई इंग्लिश नहीं आती तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बेसिक से हिंदी आती है ना आपको, थोड़ी बहुत कुछ जो काम चला सकते हो आप, बिल्कुल उससे काम चलाओ और दबा के लग जाओ हिंदी में, आने वाला टाइम आपका रहेगा और टाइम गवाओ मत। इस टाइम में जो वीडियो चलेगा और हिंदी कंटेंट चलेगा, गारंटी साथ है, क्योंकि वीडियो की डिमांड इतनी बूस्ट हो रही है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा धमाका होने वाला। मैं धमाके की बात हर वीडियो में कर रहा हूं और बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूं। काफी सारा यहां से काफी मतलब ऐसे सोच सकते हो, अगर आप कोई भी चीज में एक तरीके से नीच लेके चल जाते हो तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, कोई बात नहीं, हिंदी आती तब ठीक है, इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है।
तो आप आराम से सीख सकते हो। एनजीओ डेवलपमेंट इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी आती है ना बस काफी है। ब्लॉगिंग के लिए हिंदी की कोई जरूरत, इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं, हिंदी आती है ना ठीक है, हिंदी में कंटेंट लिखो कि कौन सी चीज क्या होती है, किस चीज में आपके टेक्नोलॉजी में है, स्टेटस हायरिंग में, इसके अलावा एंटरटेनमेंट में है, इसके अलावा अगर आप कोई भी गैजेट्स के बारे में अच्छा जानते हैं, किसी भी चीज के बारे में इस फील्ड में अच्छे हो तो उसी फील्ड को चुनो। इसमें देखो कि हाँ अब हम किस चीज में बेहतर कर सकते हैं, उसका वीडियो बनाओ धम्मा धम्मा की और बिल्कुल सोशल मीडिया में फुल पावर डाल दो अपना जो भी कुछ है, और फिर देखो अपना कैसे बूस्ट होता है रेवेन्यू। तो यही थे कुछ स्टेप हिंदी वर्सेस इंग्लिश के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, उस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। ये जो यूजर नेम देख रहे हो ये इंस्टाग्राम यूजर नेम है, इस पर मुझे जाकर के फॉलो जरूर कर लेना, 24 आवर्स मैं उपलब्ध रहता हूँ। और हाँ गाइज, मैंने एक हिंदी में एक ई बुक लिखी है जो है एडी डिजिटल ट्रेनिंग, मतलब उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो और इजीली तरीके से वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। सोशल मीडिया की पावर कौन कौन सी है उसमें सारे स्टेप दिए हुए हैं। इसके साथ साथ में इतना ही नहीं, उस ईबुक में आपको जो भी डाउट्स हैं, मतलब क्वेश्चन रहते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचूं, मेरे से कौन लेगा, मैं अपने सोशल मीडिया ग्रो कैसे कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, कैसे सीखूंगा मैं, सारे कुछ डाउट्स उसमें मैंने क्लियर कर रखे हैं। मतलब आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन आते हैं ना वो भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं। मेरी 3 साल की जो मेहनत है उसमें मैंने 2 महीने लगाए हैं उस ईबुक लिखने में, 2 महीने से मैं उसमें लगा रहा हूं पूरा टाइम फुल टाइम। और वो जो ईबुक है मैंने अब जाके फर्स्ट ईबुक है मेरी वो रेडी कर दी है, उससे जाकर के आप बाय कर सकते हो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर उसमें मुझे बताना कि आपको वहां से उस ईबुक से क्या बेनिफिट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर के मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और उस ईबुक को भी खरीद लेना, काफी सारा बेनिफिट होगा गाइस वहां से। तो एक बार उसे खरीद करके मुझे जरूर बताना कि आपको क्या बेनिफिट हुआ। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।